यस नमस्कार बच्चों, सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। जस्ट गो थ्रू योर पेज नंबर 174। इन दिस पेज नंबर दिस इज हॉरिजॉन्टल मेथड एंड कॉलम मेथड। फाइन, अब ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हॉरिजॉन्टल मेथड से। सिंपल है, जैसे अभी तक किया था। 2a into 4a plus 3b minus 3b into 4a plus 3b। ठीक है, अब सेम मेथड जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए, 2a into 4a plus 2a into 3b minus 3b into 4a minus 3b into 3b। ठीक है, 2 4 8, 8a square plus 6ab माइनस 12ab माइनस 9b स्क्वायर। ओके, देन दीज आर लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स है, तो 8a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस माइनस 9b स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर? 8a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 9b स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल मेथड? दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेथड। सेकेंड सम 2m माइनस 3n, सेकेंड 2m माइनस 3n एंड m प्लस n। ठीक है, m प्लस n, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे। 2m इंटू m प्लस n माइनस 3n इंटू m प्लस n। ओके, 2m से मल्टीप्लाई करूंगा m, फर्स्ट टर्म 2m इंटू m प्लस 2m इंटू n माइनस 3n इंटू m माइनस 3n इंटू n। ठीक है, 2m इंटू m 2m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 3mn माइनस 3n स्क्वायर। दीज आर लाइक टर्म्स, दीज आर लाइक टर्म्स। देन व्हाट इज द आंसर? 2m स्क्वायर माइनस mn माइनस 3n स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन 1 सम 3। थर्ड वन इज दैट एक्स प्लस वाई जेड इंटू 2x माइनस 7 वाई जेड। देन फर्स्ट वी मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट बाय फर्स्ट टर्म x एंड देन प्लस वाई जेड। x इंटू 2x माइनस 7 वाई जेड प्लस वाई जेड इंटू 2x माइनस 7 वाई जेड। ठीक है, अब x इंटू 2x माइनस x इंटू 7 वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई जेड से, प्लस वाई जेड इंटू 2x माइनस y z y z into 7 y z। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई किए। अब वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे। x into 2x 2x square माइनस x into 7 y z 7 x y z 7 x y z प्लस y z into 2x 2 x y z माइनस वाई जेड इंटू 7 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दीज टू आर लाइक टर्म्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज सिंगल टर्म, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 x y z माइनस 7 y² z²। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5 x y z माइनस 7 y² z² दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का सम 4। वो आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है, बट वेरी इजी सम। फोर्थ वन, x/2 माइनस xy इंटू x माइनस xy/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड है बट ओनली 2 डिवाइडेड बाय 2 x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट ब्रैकेट x माइनस xy/2, देन अगेन दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय
minus xy into x minus xy by 2. Okay, then x multiplied x minus xy by 2 multiplied by x by 2 and x minus xy by 2 multiplied by minus xy. Fine. X divided by 2 into x minus x by 2 into xy divided by 2. Okay. Minus xy into x minus into minus plus xy into xy divided by 2. ठीक है. अब x into x, x square by 2 minus x into xy, x square y by 4 minus x square y plus x square y square divided by 2. अब यहां पर आपके कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं है. डिनोमिनेटर में नंबर हमेशा क्या होता है? 1. दीज आर लाइक टर्म. देखो माइनस एक्स स्क्र वाई, एक्स स्क्र वाई, एक्स स्क्र वाई. अब ये दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे पहले. ठीक है, माइनस एक्स स्क्र वाई, माइनस एक्स स्क्र वाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्र वाई डिवाइडेड बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई. माइनस एक्स स्क्र वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र वाई इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1. What is the answer? Minus x square y minus 4x square y divided by 4 minus 5x square y divided by 4. What is the answer? Minus 5x square y divided by 4. Then your final answer will be x square by 2. What is the answer? X square by 2 minus 5x square y by 4 plus x square y square by 2. This is our final answer. हमने क्या किया है? 1 by 1 हमने simultaneously multiply करते गए और जहां पर like terms है, like terms को हमने एक साथ करके इसका answer निकाला है, minus 5 x square y by 4. यहां पर हमने answer put कर दिया. ठीक है, so question first का 4 हम करेंगे. अब fifth sum. Fifth है 11ab minus 1, 11ab minus 1 into ab minus 4. Same method, 11ab into ab minus 11ab into 4 minus 1 into ab minus 1 into minus 4. ठीक है, minus 1 into minus 4. 11ab into ab, 11a square b square. Minus 11ab into 4, 44ab. Minus 1 into ab, minus ab. Minus 1 into minus 4, plus 4. These are like terms. What is the answer? 11a square b square, minus 44 minus 1, minus 45ab, plus 4. What is our answer final? 11a square b square, minus 45ab, plus 4. Okay, last sum of this question 1, 3m square 61, 3m square, 3m square minus 4 and what is this, 4m square minus 1. ठीक है, इसको भी सेम मेथड से अप्लाई करें जैसे हमें अभी तक के क्वेश्चन किए. कैसे? 3m square into 4m square minus 1 minus 4 into 4m square minus 1. 3m square into 4m square minus 3m square into 1. ठीक है, minus 4 into 4m square minus 4 into minus 1. ठीक है, 3m square into 4m square 12m raised to 4 minus 3m square minus 16m square minus minus plus plus 4. These are like terms. 12m raised to the power 4 minus 19m square plus 4. What is the answer? 12m raised to 4 minus 19m square plus 4. So we have completed our question number 1 from exercise 9.3. From exercise 9.3. 9.3 से हमने क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए. दिस आर सेट टू बी हॉरिजॉन्टल मेथड. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फाइंड अ प्रोडक्ट बाय हॉरिजॉन्टल कॉलम मेथड. ओके, सो हैव अ नाइस डे.